आज हम लोग क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस मैथ्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। खैर, रिपीटेड नहीं है लेकिन पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट नहीं हुआ है लेकिन पूछा जाता है। आप में से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू। जिन लोगों ने नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज उनको मिल सके। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को मतलब अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख पा रहा है, शायद अब दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, देखते हैं। अगर नहीं दिख पा रहा हो तो बस क्वेश्चन सुन लीजिएगा और साथ में लिखते चलिएगा। ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस सस्टेन्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर व्हाइल द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। Prove that the height of the center of the balloon is r sine beta into cos alpha by 2। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है, डी पॉइंट पे। यहाँ से जब वो बैलून को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑब्जर्वर का, ठीक है, जब वो बैलून को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, मतलब ये बैलून को जब ऑब्जर्व कर रहा है तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितना, अल्फा बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से जब यहाँ से ऐसे ऑब्जर्व किया और ऐसे ऑब्जर्व किया तो ये अल्फा बना। ठीक है, जब वो सेंटर को ऑब्जर्व कर रहा है, बैलून का सेंटर ये हुआ, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जब सेंटर को ऑब्जर्व कर रहा है तो बीटा बन रहा है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये वाला जो OC है, OC इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू आर कॉसेक अल्फा बाई 2, क्योंकि यही जो है ना वो हाइट है सेंटर का, तो यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन राइट ट्रायंगल OBD, OBD। अब ये OBD एक राइट ट्रायंगल क्यों हो गया, क्योंकि हमको पता है कि अगर एक सर्किल पर एक टेंजेंट आके ऐसे टच करता है तो वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाता है। तो सेम कंडीशन हो रहा है, यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो OBD क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, जिसमें OD जो है हाइपोटेनस हो गया। ये अब हम लोग देखेंगे कि किसको किस हिसाब से लेना है। अगर हम यहाँ का एंगल लेते हैं तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा एंगल अगर अल्फा है तो इतना एंगल क्या होगा, अल्फा बाई 2, और इतना क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2, दोनों अल्फा बाई 2 होगा। अब इस ट्रायंगल में OBD में हम लेके चलते हैं कि कोसेक अल्फा बाई 2, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/P। ठीक है, तो H इसमें क्या है, HOD है, ठीक है, HOD है, OD जो है H है, और ये वाला एंगल जब हम ले रहे हैं अल्फा बाई 2 तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, OB जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यही हम क्या लिखेंगे, OD/OB, तो OD/OB। अब OB जो है वो क्या है, रेडियस है सर्किल का, तो इसको हम R लिख देंगे। ये क्या है, सर्किल का रेडियस है। अब हमको लिखना है कि तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके OD इज इक्वल टू आर इंटू कॉसेक थीटा बाई 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब हम ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल OCD, OCD यानी ये ट्रायंगल, OCD मतलब ये ट्रायंगल, ये वाला जिसको भी हम ब्लैक किए हैं OCD, इसमें ये एंगल बीटा है, तो साइन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, सॉरी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन बीटा इक्वल टू यही होगा ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो गया OC और हाइपोटेनस हो गया OD, OC/OD इज इक्वल टू साइन बीटा। अब ये जो OD का वैल्यू है, जो ये वैल्यू हमारा आया है OD का, उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो OC/OD, OD के जगह पे हम लिख देंगे आर कोसेक अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन बीटा, या फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई OC इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू आर इंटू
कॉसेक अल्फा बाई टू, देखिए हमको यही प्रूफ करना था, ये वाला आर हम इधर भी कर सकते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में है, यही प्रूफ करना था ना, आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई टू, यहाँ हो गया साइन बीटा इंटू आर इंटू कॉसेक अल्फा बाई टू, ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। फ्रॉम अ विंडो, ठीक है, फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ हाउस, तो विंडो क्या है, एच मीटर है ग्राउंड से, जैसे कि अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ से एच मीटर के दूरी पर क्या है, विंडो है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एच मीटर ऊंचा एक विंडो है, वहाँ से फ्रॉम अ ग्राउंड, कहाँ है जी, ऑफ ए हाउस इन अ स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट इज अल्फा एंड बीटा। मतलब कि हम यहाँ से, सामने कोई एक और बिल्डिंग है बड़ा सा, ठीक है, तो हम यहाँ से एक बार जब बिल्डिंग के टॉप पे देखें तो अल्फा बना एंगल ऑफ एलिवेशन, जब बिल्डिंग के डाउन पे देखें यानी कि बिल्डिंग के फिट पे देखें तो मेरा बीटा बना एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, जो हाइट ऑफ द टावर है वो, नहीं नहीं यहाँ है, जो हाइट ऑफ द हाउस है वो कितना है, h इंटू वन प्लस टैन अल्फा इंटू कॉट बीटा, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो गया, ये हो गया। तो हमको प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू h इंटू वन प्लस टैन अल्फा इंटू कॉट बीटा, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है, करते हैं। सबसे पहले फिगर तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बना, अब ये देखिए, ये जब बीटा एंगल बनेगा, ये जब बीटा हुआ तो ये और ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल की तरह है, तो ये बीटा हुआ तो ये भी बीटा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, इन ट्रायंगल ईडीसी, इन ट्रायंगल ईडीसी जो टैन बीटा होगा वो कितना के बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ईडी और बाई बेस डी सी, तो हम डी सी को एक्स मान लिए हैं और ई डी को एच, तो एच बाई एक्स कोई दिक्कत नहीं है। अब इसलिए एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच बाई टेन बीटा हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको यहाँ एच माने हैं ये भी, तो यहाँ से यहाँ तक एच के बराबर ही होगा ना, इस वाले एच के बराबर, यहाँ छोटा एच मान लिए हैं। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी ई, तो ए बी ई में क्या होगा, ये वाला टैन अल्फा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, यानी एच बाई दिस, और ये वाला लेंथ कितना है, एक्स के बराबर है, तो टैन अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, एच बाई एक्स, ठीक है। और जो एक्स है मेरा, ये एक्स का वैल्यू हम ये वाला ले लेंगे, यहाँ से एक्स का वैल्यू ले लिए, जब यहाँ से एक्स का वैल्यू लेंगे तो एक्स के जगह पे लिख देंगे छोटा एच बाई बड़ा एच बाई एच बाई नहीं सॉरी बड़ा एच बाई टेन बीटा। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऐसा ये टर्म मिल जाएगा, एच टेन बीटा इज इक्वल टू एच टेन अल्फा, फिर यहाँ से एच को रखेंगे कॉमन, सॉरी एच को यहाँ इसी साइड छोड़ देंगे और उसको डिनोमिनेटर में लेते जाएंगे। अब देखिए, ये कुछ ऐसा कंडीशन नहीं बन रहा है, एच टेन अल्फा इंटू वन बाई टेन बीटा, ऐसा ही बन रहा है ना, ये वाला चीज देखने ध्यान से, एक ही जैसा बन रहा है। अब वन बाई टेन बीटा के जगह हम क्या रख सकते हैं, कॉट बीटा रख सकते हैं, तो हम कॉट बीटा रख दिए, तो यानी एच का वैल्यू मेरा कितना आया, छोटा वाला एच यानी ये जो एच था इसका वैल्यू कितना आया, इस वाले एच का, ये जो एच था इसका वैल्यू आया एच टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा। अब पूरा का पूरा जो ए सी है, ये पूरा का पूरा ए सी कितना हो जाएगा, ये वाला एच प्लस ये वाला एच, ठीक है, तो वही हम किए, ए सी इज इक्वल टू एच प्लस एच, एच यहाँ रख दिए, छोटा वाला एच जो है उसके जगह पर ये वैल्यू रख दिए, एच कॉमन ले लिए, हमारा आ गया जो हमको प्रूफ करना था वो मिल गया, ठीक है, शायद आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, साथ साथ समझते चलिएगा। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टैग ऑफ हाइट h, मतलब एक वर्टिकल टावर है, ये एक वर्टिकल टावर है, जमीन पे खड़ा है
और उसके ऊपर में एक फ्लैग स्टैग है। फ्लैग स्टैग मतलब झंडा वाला, ऊपर में एक फ्लैग स्टैग है, ठीक है। उसके बाद एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज एच टेन अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। यानी कि इस पॉइंट से जब एक बार फ्लैग स्टाफ है उसके ऊपर देखा गया, मतलब उसके टॉप पर, तो बीटा एंगल बना, और इसी पॉइंट से फ्लैग स्टाफ के अगर बॉटम पे देखा गया तो अल्फा एंगल बना। तो हमको प्रूफ करना है कि जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर मतलब ये चीज़, ये नहीं नहीं हाइट ऑफ टावर ये एच, आपको ए बी जो है ए बी इज इक्वल टू कितना है एच टेन अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ठीक है। देखिए ये आपके सामने फिगर क्लियर है, फिगर समझ आ गया होगा। इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी कॉट थीटा, ठीक है, यानी कि कॉट अल्फा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस हम एक्स माने हुए, परपेंडिकुलर को एच रखे हैं, तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर। यहाँ से एक्स का वैल्यू मिल गया एच कॉट अल्फा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अब हम ट्रायंगल लेते हैं बड़ा वाला ओ ए सी। इन ट्रायंगल ओ ए सी क्या है, कॉट बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है एक्स, लेकिन परपेंडिकुलर इस बार क्या हो गया, इतना एच और प्लस ये वाला, दोनों हाइट जुड़ेगा ना, तो वो हो गया एच प्लस एच। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू एच प्लस एच इंटू कॉट बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये जो एक्स का, इसको फिर ब्रैकेट, एक बार कॉट बीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, एक बार कॉट बीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये आया बड़ा एच कॉट बीटा प्लस छोटा एच कॉट बीटा। अब एक्स का वैल्यू यहाँ से उठाएं, ये वाला जो एक्स का वैल्यू है, और यहाँ पे पुट कर दिए, तो क्या आया एच कॉट अल्फा इज इक्वल टू एच कॉट बीटा प्लस छोटा एच कॉट बीटा। अब ये दोनों इसको इधर लेते हैं, तो ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो क्या आ जाएगा एच कॉट अल्फा माइनस एच कॉट बीटा इज इक्वल टू एच कॉट बीटा, ये बीटा हो गया, ठीक है। अब एच यहाँ से कॉमन हो गया तो क्या आया कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल टू एच कॉट बीटा, इसलिए एच इज इक्वल टू एच कॉट बीटा बाई कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। तो ये एच क्या है, यही हमको प्रूफ करना था ना कि हाइट ऑफ टावर इज, तो हाइट ऑफ टावर ही तो है ये एच जो है वो हाइट ऑफ टावर ही ना है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन जो है इसको हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस पर सेंड करिए या नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है, जिस तरह से भी बताना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगा, ठीक है। हम एक बार अपना नंबर बोल भी देते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9472596352, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए पढ़ाई में।